नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहे या देश की राजनीति कहे, इस समय जो चर्चाएं हैं वो केवल धर्म को लेकर हो रही हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे तो बचे नहीं है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेता है, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं या मंत्री हैं वर्तमान में, वो जनता के मुद्दे उठा पाए। उनके लिए जो सबसे सरल मुद्दा होता है वो होता है धर्म का मुद्दा। कभी राम पर टिप्पणी तो कभी रामचरित मानस पर टिप्पणी, कभी अलग तरह की टिप्पणी दे देते हैं तो कभी धर्म को लेकर दूसरी टिप्पणी दे देते हैं। और ये टिप्पणी का दौर जो है वो लगातार जारी है। जारी क्यों है? क्योंकि सबको अपनी राजनीति चमकानी है, और राजनीति इस तरह चमकाएंगे कि जब उनका बयान से उपद्रव होगा या लोग कटाक्ष करेंगे या उनके बवाल बयान पर बवाल होगा तो उनकी पार्टी के ही लोग या उनकी पार्टी उनके बयान से पल्ला झाड़ लेगी। खैर, हमारे देश में जो ये बयान है वो नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई बार तरह तरह के बयान दिए गए। बयान ऐसे दिए गए कि जहाँ पर विस्की में विष्णु बसे और जिनमें श्री राम, इस तरह के बयान, थर्रे में हनुमान, इस तरह के बयान दिए गए। ये बयान मैं नहीं दिया हूँ, ये बयान दिए हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजनेता। खैर, उन बयानों को अगर पीछे गए तो वो पहले किसी और पार्टी में थे, बाद में किसी और पार्टी में आए और अब फिलहाल किसी और पार्टी में है। पर आज हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात तो तमाम तरह की यहाँ पर हो रही है। क्योंकि इसके पहले जो अगर शुरुआत करें, ये एक नया जो अध्याय शुरू हुआ है वो अध्याय रामचरितमानस में के नाम से, बयान से। कारण, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति दोनों के लिए बात कही। उसके बाद यह आग ठंडी में नहीं हो पाई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और फिलहाल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी नया बयान देके और चर्चा छेड़ दी। उन्होंने रामचरितमानस में कहा कि यहाँ पर ब्राह्मणों को बड़ा बताया गया है और शूद्रों को यहाँ अपमान किया गया है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों से उनको दिक्कत है और उन चौपाइयों को हटाया जाना चाहिए। भाई क्यों हटाया जाना चाहिए? इतना पुराना धार्मिक ग्रंथ है जो और अधिकांश जगह आप देखेंगे हिंदुओं के घर में पाया जाएगा, रखा रहता है, उनकी लोक मान्यता का केंद्र है। रामचरितमानस एक नॉर्मल किताब नहीं है जिसकी कोई चौपाई को आप हटा सकते हैं, ये किसी के दोहे नहीं है जिनको आप हटा सकते हैं, ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। वो ग्रंथ को लेकर जिस तरह की ये चर्चाएं चल रही है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और जब निंदनीय शब्द है वो निंदा के लिए पर्याय होता है कि जो निंदा के योग्य है उसको निंदनीय ही बोला जाता है। और हम जैसे खबरन बीच का भी ये काम है कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं ये अपनी व्यवस्था के साथ या अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं होगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर कुछ बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का बयान कोई बिचत्ता आदमी ही दे सकता है, और ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवर यात्रा हो, कांवर यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है, राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। जैसा कि मौर्या जी ने कहा है कि उसमें जाति विशेष के लोगों का अपमान हुआ है, तो मैं माननीय मौर्या जी से एक बात कहना चाहूँगा कि वो इस एक बार धर्म ग्रंथ को कायदे से पढ़ लें। ये वही धर्म ग्रंथ है जिसमें राम के चरित्र की विवेचना है। उस राम के चरित्र की विवेचना है जिसने शबरी के झूठे बेर खाए। उस राम जी के चरित्र की विवेचना है जिसने भीलों का साथ दिया।
उस राम जी के चरित्र की विवेचना है जिन्होंने सभी निचले से निचले समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, और ऐसे उज्जवल चरित्र वाले हम सब के आदर्श बल्कि राष्ट्र गौरव और राष्ट्र देवता प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का अपमान करना निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि धर्म के विषय में पहले ज्ञान ले लें, उसके बाद धर्म ग्रंथों के विषय में इस तरीके की आलोचना की बात करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहली चीज तो ये कि धर्म राजनीति का हिस्सा होना नहीं चाहिए। जो जिसका धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, और ये एक बेहद पर्सनल सब्जेक्ट है। धर्म के ऊपर टीका टिप्पणियां किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी कहा है, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी इन धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ा होगा या उसके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। मेरे हिसाब से ये उनका अपना निजी बयान है, और धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जिस दोहे के बारे में मौर्य जी ने कहा है उसमें ताड़ना का अर्थ परखना और पहचानना है। अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्यवाही करेंगे। पहली बात तो रामचरितमानस के विषय में जानते ही नहीं कि रामचरितमानस क्या होता है। रामचरितमानस जो है, राम हमारे आदर्श हैं, और हमारी आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। उस राम राज्य की कल्पना करने, उस राम के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करना, ये अपने आप के लिए राजनीति में दुर्भाग्य है स्वामी प्रसाद मौर्या का। जो राम के विषय में बोले, राम के चरित्र के विषय में बोले, पहले तो उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं, रामचरितमानस का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। अगर सहित अध्ययन किया होता तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर हमने वो बयान सुने हैं कि यहाँ पर विरोध किया गया है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस बयान पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब उस बयान सुन लें जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है। महत्वपूर्ण है, और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनता के मुद्दे जो हैं, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है, और ना ही हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इन मुद्दों पर बात करते हैं। यहाँ बात होती है तो केवल ऐसे मुद्दों पर जिससे उनकी राजनीति चमकती रहे। राजनीति चमकती क्यों रहे? क्योंकि राजनीति चमकाएंगे तभी तो चर्चा में आएंगे। और फिलहाल ये जो मामले हैं ये केवल और केवल लेना देना कुछ नहीं है, केवल एक और एक जो उद्देश्य रहता है वो रहता है चर्चा में बने रहना, और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की शायद बयान आते हैं। हालांकि ये बयान पहले नहीं, इसके पहले भी कर्नाटक के प्रोफेसर तमाम तरह के बयान दे चुके हैं, उन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिए हैं भगवान राम पर। इसके बाद तमाम तरह के बयान अन्य नेताओं ने दिए हैं, उसके बाद चंद्रशेखर ने ये शुरुआत की रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसी शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए बवाल शुरू कर दिया, और बवाल ऐसा कि अब
शायद समाजवादी पार्टी भी उनके बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, और झाड़ना पड़ेगा भी पड़ेगा, क्योंकि जहां पर अगर किसी धार्मिक ग्रंथ पर आप बात करेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है इसके पहले भी हम देख चुके हैं। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा था कि नूपुर शर्मा वाला जो मामला हुआ था उसके बाद भी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की थी उसके बाद भी जो हमारे देश में एक तरह की एक उपद्रव की व्यवस्था बनी थी, हालांकि सरकार पूरी मजबूत थी, किसी तरह का दंगा या उपद्रव नहीं हो पाया था, पर कहीं ना कहीं हमारे देश की जो वैश्विक छवि है वो खराब हुई थी, उसको लेकर हम सब जानकारी रख भी चुके और देखा भी है। फिलहाल मेरपुर चर्चा विषय मेहमान जुड़ चुके हैं, नेता भाजपा के देशबंधु ऋषिर पर पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार रूप में पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे भाई पर पक्ष रखेंगे और सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा रहेगा विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी भाई, ये बयान पर क्या कहेंगे भाई? धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथों पर इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए भाई। मेरा मानना तो यहाँ पर तो एक दंड संहिता बनाई जानी चाहिए, हालांकि है आईटी एक्ट में ऐसा है, पर धार्मिक व्यवस्थाओं पर इस तरह जो कटाक्ष हो रहे हैं, जो कुथराघात हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बंद होना चाहिए, और जो जो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो जो बयानबाजी हो रही है उस पर बयान मांगना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? गौरव भाई, पूरे मंच को बहुत ही धन्यवाद देते हुए अभिनंदन के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति रखता हूँ। देखिए, आपने कहा कि दंड संहिता में इसके प्रावधान होने चाहिए, उसके प्रावधान है जी। लोगों की भावनाएं भड़काने के प्रति, लोगों को विद्वेषित करने के प्रति, उपहास उड़ाने के प्रति, धर्म पे कटाक्ष करने के प्रति, ऐसी बहुत सारी आईपीसी की गंभीर व्यवस्थाएं हैं जिनमें बिल्कुल अगर आप चाहें तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस पे आगे आप बढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का इस बयान से, क्योंकि अभी आपने भी स्पष्ट कर दिया, देखिए हम कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, क्षेत्रीय दल है बिल्कुल, हमारे वरिष्ठतम नेतृत्व की तरफ से जो भी बात कही जाएगी उसी को हम आधार मानते हैं और उसी का पार्टी का जनाधार होता है। हमारे पार्टी के दो वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्णेंदु तिवारी जी और आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी ने स्वयं सामने आकर के इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी क्रम में बाहर है इस समय, तो वो जैसे ही लौटेंगे सारा मामला उनको संज्ञानित किया जा चुका है, वो जैसे ही लौटेंगे बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। ट्वीट कर दे, ट्वीट तो कर ही सकते भाई, ट्वीट तो होता रहता है। नहीं, ट्वीट क्यों, अब आपको अब लीजिए, अब जब कार्रवाई की बात हो रही है तो अब आपको ट्वीट चाहिए, जब वो ट्वीट करते हैं तो क्या होगा भाई, ट्वीट होता रहता, ट्वीट भी कर दें भाई, काम तो हो जाएगा। नहीं नहीं, आप कार्रवाई, आपको आपको इसका परिणाम दिखना है ना, देखना है परिणाम दिखाई देगा जब रविदास मल्होत्रा जिसे हमारे बड़े जिम्मेदार नेतृत्व ने ये बात स्पष्ट कर दी है, तो यकीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला है और इस पर पूरी कार्रवाई आपको दिखाई देगी। क्यों बयान दिया अभी पूछा, आपने जानकारी नहीं दी भाई, क्यों बयान दिए इस तरह के बयान किस लिए? अब देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताऊं, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा जी। मैं तो आज उपस्थित पैनलों से ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो चलिए कार्यवाही की बात स्पष्ट कर दी गई है, क्योंकि रविदास मल्होत्रा जी स्वयं सामने आकर के उन्होंने एक वीडियो जारी किया है माननीय नेतृत्व के डायरेक्शन पे कि उसपे पूरा संज्ञान लिया गया है और उसके ऊपर कार्यवाही निश्चित है। अच्छा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अगर आप मुझे अनुमति दे। बिल्कुल बिल्कुल पूछ रहे जी। हाँ, दुष्यंत गौतम ने जब ये कहा था, भाजपा के नेता ने, भगवान राम की सेना की तरह नंगे घूमना चाहिए कांग्रेसियों को। अच्छा। भाजपा के सहयोगी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रह चुके, आज भी सहयोगी दल के रूप में जिनके अभी कार्यक्रम में योगी जी गोरखपुर भी गए थे भाई, संजय निषाद जी ने जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था, उनको पुत्र मानने से इनकार कर दिया था दक्षिण जी का। मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री मोहन यादव ने माँ सीता को तलाकशुदा कहा था, माँ सीता ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसे शब्दों का संबोधन किया था। डाटा ले गया है। पूर्व डिप्टी सीएम, सुन लीजिए, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भाजपा के जो मंत्री है, जिम्मेदार पद पे है, उन्होंने जब माँ सीता के जन्म पे ही सवाल खड़े कर दिए किया था। और उससे बड़ी बात सुन लीजिए, उससे बड़ी बात, जब सदन में भाजपा ने यह कह दिया इनके गृह राज्य मंत्री ने कि राम सेतु के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर दिए कि राम सेतु के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं, ये भावनाएं तब नहीं जागी लोगों की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो ये आज पैनल बैठा है। अच्छा। उस पैनल ने क्या इन बयानों पर भी कोई प्रतिक्रिया दी थी? अच्छा। मुझे ये भी जानना है। देखिए, अच्छा। ये बात बिल्कुल सत्य है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, मैं खुद ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। अच्छा। बिल्कुल इस तरह के बयानों का समाजवादी पार्टी कभी साथ देगी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है। हम तो वो लोग हैं जिसमें कि आपको याद होगा, लोहिया जी तो खुद
अगर आपको याद होगा तो वो तो खुद रामायण मेला करवाते थे, बिल्कुल डॉक्टर मुझे याद, खुद रामायण मेला करवाते थे। तो मुझे लगता है कि हम इस नैतिक परिपाटी के जिम्मेदार लोग हैं, हम खुद नहीं इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां बर्दाश्त करेंगे या सनातन पे प्रहार बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे आज ये उठेगा गौरव भाई कि जिन अभिव्यक्तियों की मैंने उदाहरण को प्रेषित किया है, क्या ये अभिव्यक्तियां जब भाजपा के नेता कर रहे थे तब ये जो व्यवस्थित पैनल यहाँ पे बैठा है क्या इसने? तो आप मांग कर लेते ना, मांग क्यों नहीं किया आपने? आप मांग कर लेते उनके कार्रवाई की, यहाँ पर भाजपा वाले मांग कर रहे कार्रवाई की, आप मांग कर लेते, क्यों मांग नहीं किया आपने? अब गौरव भाई मैं पैदा होते ही तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना नहीं था जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो मैं बता सकते हैं ना आप। सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए। मैं अब जिस परिपाटी से मैं आया हूँ, अब राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है आप लोगों के साथ से, सहयोग से, तो अब जब मुद्दों पे मुझे आप बुलाते हैं तो बिल्कुल मैं मुद्दों पे सवाल उठाऊंगा। आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी गलती नहीं, समाजवादी पार्टी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, ये मानते हैं ना आप कि सपा को कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी? जी, मैं तो सुन लीजिए ना, मैं तो ये मानता हूँ कि संजय निषाद का साथ भाजपा को छोड़ना चाहिए, नरेश अग्रवाल को निकाल देना चाहिए, जैसे हमने निकाल दिया था समय में उनके एक अभिव्यक्ति के कारण। जी, अब मैं तो ये मांग कर रहा हूँ आपके सामने बैठ करके कि अभी भी समय है, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, भाजपा संयमित होकर संभल जाए। फिर राजनीतिक धर्म की राजनीति करती है भाजपा ही करती है क्या, और कोई नहीं करता है क्या? आप ही तो अपने डिबेट में कई बार कह चुके हैं कि धर्म की राजनीति का ठेका है भाजपा के पास। लो भाई, हम क्यों कहते हैं, हम तो चल बात करते भाई, अब जो आप लोग कहे वो आप बढ़िया है। नहीं, मैं आपकी बात को वही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, हम तो कार्रवाई दिखा देंगे करके, लेकिन संजय निषाद के ऊपर क्या भाजपा अपना गठबंधन तोड़ेगी क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, मांग कर लीजिए, वो तो तोड़ दे। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, मांग कर लीजिए, तोड़ दे। कहीं स्वामी प्रसाद जी, सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं ना कहीं आए तो भाजपा से, ये तो चलो ठीक है पार्टी तो ठीक है भाई। देशबंधु भाई बड़े नाराज नाराज लग रहे हैं आपके बयानों से, देशबंधु भाई क्या कहेंगे भाई बेबी पांडे की बात पर भाई? नहीं देखिए, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है जी, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बुलाया। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैंने बहुत ध्यान से बात सुना तो मैं चाहूंगा आप भी मुझे एक मिनट सुने जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन दैसी। अच्छा, जिसकी जैसी भावना होती है। देखिए, रामचरित मानस भगवान गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जी एक ऐसा ग्रंथ है जी। गौरव भाई, आप भी विश्वास के साथ कहते होंगे जी, अभी तक तो बात व्यक्ति की हो रही थी, कुछ टिप्पणियां इन्होंने की, नाम भी लिए जी, तो उस पर मैं केवल इतना ही जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, उस ग्रंथ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए जी। आप तुच्छ और छोटी और संकीर्ण मानसिकता से अगर रामचरित मानस की विवेचना करेंगे तो ये कदापि सत्य नहीं। बिल्कुल, आप देखिए राम जी को, देखिए ये समय की बाधा है कि एक रात पहले ही उनको सत्ता मिलनी थी और अगली सुबह, या परिस्थितियों का कह दीजिए या काल खंड की बात करें, काल का संयोग है कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। अच्छा। और उन्होंने सहर्ष बहुत खुशी से अपने पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष वो वनवास गए और भरत को राजगद्दी दी। तो यह इस बात का प्रेरणा देता है कि हमें सत्ता के लिए कभी धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सत्ता का त्याग करके उन्होंने त्याग जी, और बुद्धिमत्ता और एक समाज को संदेश देने की, आप पूरे अगर रामचरित मानस के वृत्तांत को प्रथम से लेकर अंत तक देखेंगे जी, तो श्री राम ने आप देखा, छोटी छोटी जातियों, चाहे कोई भी प्रसंग उठा लीजिए, शबरी हो, नाविक का हो प्रसंग, चाहे केवट का हो, चाहे बंदरों का युद्ध हो, उन्होंने सभी जाति धर्म को साथ लेकर अत्याचार के विरुद्ध, एक तो रावण को मारा, मैं मानता हूं रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन वही ना कहे कर्म ही पावत नहीं, कर्म के अनुसार ही उन्होंने उसको दंड दिया। बाली भी राम का भक्त था, रोज जल देता था, लेकिन बाली को भी मारा। देखिए, राम का जो कैरेक्टर रहा या पूरा चरित्र का वृत्तांत अगर आप अध्ययन करेंगे तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और समाज को शिक्षा लेनी चाहिए और धर्म राजनीति से हमें जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपनी पहली बात को कहा ना, हमारी हमारी दृष्टि कैसी है, जैसी दृष्टि वैसी, अगर हम उसमें व्यवधान देखेंगे और किसी की पर्टिकुलर, हाँ, किसी की प्रतिकूल भावनाएं देखेंगे। अच्छा। तो आपको अनिष्ट ही दिखेगा। अच्छा। किसी को हम संभावनाओं के द्वार देखेंगे। भावना अच्छी थी, और रही बात आपने कहा भाजपा की, तो भाजपा की राजनीति आपने देखा होगा शुरू से, जब भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ, ये तो कह रहे हैं मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब भी अपने बाबा दादाओं से, आप लोगों ने भी अपने पूर्वजों से कहानी सुनी होगी,
कि विपक्षी पार्टियों ने, आपने देखा होगा एक पार्टी ऐसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, गौरव भाई आप भी जानते हैं, एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं था। अच्छा, वो तो नासा द्वारा नाम लेने को लेकर तस्वीरें आई तो उन्होंने मान लिया था। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ, अंत में कह के यह समाप्त करना चाहता हूँ, उस वृत्तांत से रामचरित मानस से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हमें छोटी छोटी मानसिकता और सत्ता करके अनर्गल बातें करके धर्म को अपना कहना चाहिए। मेरा कहना ये, आपने कहा जाकी नहीं भावना जैसे प्रभु मुझे देखी तन तैसी, तो बताइए जो जो भावना खराब हो गई क्या सौप्रधान मौर्य की, पहले बयानबाजी नहीं करते थे, अब बयानबाजी करने लगे हैं। देखिए ये तो संकीर्ण मानसिकता है। देखिए वो अगर चाहते हैं हम, देखिए एक कहते हैं क्या मैं बदनाम हुआ तो मेरा नाम ना हुआ। अच्छा, अगर आपका नाम अच्छे कार्यों में नहीं है, नाम तो रावण का भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग उनको प्रेरणा मानते होंगे। राम राम का भी नाम श्री राम हुआ, उनके कृत्यों द्वारा ही समाज ने उनको श्री राम कहा, राम से, और रावण महान विद्वान होते हुए जी एक प्रेरणा लेनी चाहिए जी। रावण ने अंत समय में कहा कि जाओ क्या नाम है लक्ष्मण को जब शिक्षा दी, कहीं मेरा विनाश क्यों हो गया। अच्छा, मैं बुद्धि में तुमसे बड़ा, कुल में बड़ा हुआ, लेकिन जो त्याग का परिचय, जो साहस का परिचय, जो छोटे बड़ों लोगों को साथ लेके चलना, जो विवेक भाई कह रहे थे आपके नेता ही बयानबाजी करते हैं, दूसरी बात उन्होंने कह दिया मेरा विभीषण जैसा। अरे आप कहां रामायण पर चले गए भाई, मैं बोल रहा हूँ विवेक भाई कहे हैं कि संजय निसार ने तमाम तरह के बयान दिए, उनको आप तोड़ेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग बीजेपी कर रही है या बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके बयान पर विरोध कर रहे हैं, तो क्या संजय निसार पर कार्रवाई होगी? और उनका जवाब भी दे लीजिए। वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती, भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। और गौरव भाई ये मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर कहना चाहता हूँ, देखिए ये वही विपक्षी पार्टियां जो बार बार पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे, और देखिएगा 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा और हम आप यहाँ पर सभी जो मुद्दा है उसके बताइए भाई, कार्रवाई करेंगे कि हम तो कर रहे हैं कार्रवाई, तो कर रहे हैं कार्रवाई, बताइए आप कार्रवाई करेंगे देशबंधु भाई? हम तो करने के लिए हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। मैंने विवेक जी आपसे बोला कार्रवाई करने की बात नहीं, कुछ मानसिकता से बदनाम हो के अगर आपने कुछ भी बोले तो सब पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तब आपने रामचरित मानस की रीति को ही नहीं, क्षमा क्षमा बढ़न को चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आप अगर क्षमा की बात आ गई, और मेहमान भी और मेहमान भी ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी, चमकता आम पार्टी फायरमैन प्रवक्ता भाई, बताइए कि चर्चा तो खैर महत्वपूर्ण है, रामचरित मानस पर जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है, बिहार शुरू ही उसके बाद अब ये बयानबाजी बिहार से होते हुए भाई बॉर्डर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में आ गई है। खैर इसके पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी हालांकि एक तरह का बयान दिया गया था, हालांकि वो रामचरित मानस पर नहीं दिया गया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो नोट हैं उन पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाएंगे तो जो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। इस तरह बयान आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने दिए थे, कैसे देखते हैं और जो रामचरित मानस पर बयान आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? ये पटकथा है या जो धर्म के नाम पर जो कटाक्ष होते हैं इनको बंद होना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए भगवान राम का सम्मान पूरा देश करता है, भगवान राम सबके लिए आदर्श हैं जी, और भगवान राम ने जो चरित्र अपना पेश किया रामायण में जी और रामचरित मानस में, दोनों जगह आदमी उसको पढ़ सकता है लेकिन उसको अनुपालन करना बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। यहाँ सत्ता के भोग के लिए लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं, अपने सगे भाई बंधुओं को नहीं मानते, अपने पिता को नहीं मानते, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन पे जी उन्होंने जो है अब राजपाट छोड़ दिया। अच्छा। और जिस रामायण में दोहे की बात करें उसमें भी ये भी लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कितनी प्यारी बात कही गई है कि हम जो वचन कर देते हैं वो वचन अगर दे दिया भाई प्राण चले जाए लेकिन हम उस वचन का निर्वाह करते हैं जी। लेकिन आजकल की राजनीतिक परिवेश में जो राजनीतिक पार्टियां जनता से वचन देती हैं, जो वादे करती हैं उनको पूरा नहीं कर पाती, उन पर काम नहीं होता। अच्छा, मुझे बड़ा दुख है। और बहुत अच्छे अच्छे दोहे हुई वही जो राम रचि राखा तर्क काहे करे तर्क बढ़ावे शाखा जी। तो भगवान राम ने जो रच रखा है संसार में वही होता है, बाकी सब मोह माया है। और कई बार जब लोगों को बहुत लाइमलाइट नहीं मिलती, उनको मीडिया में जगह नहीं मिलती, वो अपने आप की प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, तो महापुरुषों के ऊपर इस तरह के ओछे बयान देते रहते हैं। भगवान राम का खत तो हमेशा बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा। और कई बार हमने देखा है जब इस तरह के बयान आते हैं जो गलत बयान होते हैं वो ज्यादा उनको कवरेज मिलती है, उनको ज्यादा दिखाया जाता है। बहुत सी प्यारी बातें भी अच्छी बातें भी होती हैं। मैंने भी भगवान राम पे दोहे लिखे, मैंने भगवान राम पे शब्द लिखे दिखाया जाता है, लेकिन उनकी बात कम होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मुहर्रम था और मुहर्रम में मैंने सबील लगाई थी, मेरे सामने से गणपति विसर्जन की यात्रा जा रही थी। दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ जी।
तो मैंने उस मुहर्रम में जब गणपति यात्रा जा रही थी, भगवान गणेश जी की यात्रा जा रही थी, तो मैंने पूरा ट्रैक्टर रोक के सभी लोगों को वहां शरबत सबीर पे पिलाया। दो बार ऐसा किया, पेपर में भी आया, लोगों ने देखा भी, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि अच्छा बिहेवियर था। अच्छा, मैंने लभाओ राम को बहुत सी लाइनें लिखी हैं कि सबरी के बेरों में कहां बसते हैं राम, तो इस तरह से लिखा है, और मेरे सीने में भी राम है। तो इस तरह की बातें नहीं होती। समाज में कई तरह के लोग हैं, एक वो जो जबरदस्ती देश इस तरह की भावना को क्रिएट करके महान बनना चाहते हैं या बहुत शेष बनना चाहते हैं या लाइमलाइट बनना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को हमने इग्नोर कर देना चाहिए। भगवान राम का जो अस्तित्व है वह हमेशा रहेगा और उनको सब बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। दूसरी बात आपने कही नोट के ऊपर, तो हमने तो नोट के ऊपर भाई भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो छापने की बात कही थी, कोई गलत बात नहीं कही थी। बहुत से देश ऐसे, इंडोनेशिया ऐसा देश है जो मुस्लिम देश, उसके बाद भी वहाँ भगवान राम की फोटो छपी है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? हमने इसलिए कहा था कि हमारे देश के ऊपर जो ग्रहण लग गया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे डूबती जा रही है और रुपया 82 रुपए से नीचे आता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो हम सोच रहे थे शायद इसको लगने से शायद हमारे रुपये में शक्ति आए, भगवान राम का आशीर्वाद मिले, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, गणेश जी का आशीर्वाद मिले। अच्छा। इसमें बुराई की तो अच्छी बात है, इसका तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात होता है कि श्रेष्ठ, देखिए प्रकृति जो है, प्रकृति के नियम समझिए, हम कह सकते हैं हम श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन प्रकृति कुछ और ही कह रही है। अच्छा, प्रकृति देखिए, आप एलिफेंट का जो बच्चा होता है, हाथी का बच्चा पैदा होते 120 किलो का होता है, और जिराफ का बेबी पैदा होते 6 फुट का होता है, शार्क बेबी जो जैसे पैदा होता है शिकार करने लगता है और तैरने लगता है, उसको कोई तैरना नहीं सिखाता, और जो किंग कोबरा का बेबी होता है, छोटा कोबरा होता है, उसके अंदर जहर होता है, अगर एक आदमी काट ले आदमी मर जाएगा, और बटरफ्लाई जैसे कुकुर से निकलती है फौरन उड़ना शुरू कर देती है, पूरा पर्यावरण सिखा दिया। तो ये सारी चीजें देखिए, आप देखिए नेचर के अंदर और प्रकृति के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो इंसान सोचता है उसके अनुसार नहीं है। मैं कहता हूँ कोरोना वायरस, एक मिनट, कोरोना वायरस फैला जी, कोरोना वायरस से कितने लोग मर गए पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 67 लाख मौतें ऐसी रिपोर्ट की गई हैं और 60 करोड़ लोगों से ज्यादा प्रभावित हो गए। अगर आप टोटल वेट लीजिए कोरोना वायरस को, जिसने 60 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है, वो 1 ग्राम से भी कम जी, और आदमी कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो किसी को श्रेष्ठ समझना, किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना, ये मानव विकृति है, हो रही है, ये मानव विकृति है, ये सस्ती टिप्पणी हो रही है धार्मिक ग्रंथों पर, इन पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटमेंट है? मैं इस बातों की भसना करता हूँ, आम आदमी पार्टी इन बातों पर अफसोस जाहिर करती है। आम आदमी पार्टी कहती है भाई, इस वक्त हमारा देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, रोजगार कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो रहा है, बातें हो रही है उसके ऊपर, और अभी जब नया बजट आ रहा है उसके अंदर लोगों को क्या राहत मिलने वाली है, स्कूल की फीस लगातार क्यों बढ़ जा रही है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, स्मार्ट मीटर से बिजली अपने आप क्यों कट जाती है, लाखों परिवार अंधेरे में झोंक जाते हैं, सड़कों पर भी गड्ढे क्यों है, अभी भी स्टेशन लेके मेडिकल कॉलेज में घूमना पड़ता है, क्या व्यवस्था हुई है देश में, प्रदेश में सब जगह हालात खराब है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? ठीक है, भगवान वही कहा था, रघुकुल नीति सदा चली आए, प्राण जाए वचन न जाए, जो वचन लेके बीजेपी आई थी सत्ता के अंदर और जो क्या उन वचनों को पूरा किया? अच्छा। अगर आप भगवान राम का नाम तभी लीजिए अपने जमान पे, अच्छा। जब जो जनता से आप वादा करके आए हैं, अच्छा। तो उनको पूरा करिए, वरना उससे पहले आप राम का नाम ले रहे हैं, तो राम का नाम जो भी भगवान राम, देखिए जो भी भगवान राम के ऊपर कितनी राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरे देश में हुई है, और किसने की सब जानते हैं, ये जग जाहिर है, किस पार्टी ने किया सबसे ज्यादा, भगवान राम का दुरुपयोग किया है, भगवान राम के नाम के ऊपर लूट की है, अच्छा। मंदिरों की जमीनें खाई हैं, अच्छा। चंदा चुराया है, अच्छा। सब जानते हैं, चल ठीक है, लेकिन उस पार्टी को, सुनील भाई, सुनील भाई जो आप वादे करिए, बड़ी बड़ी नाराजगी है तकी भाई के अंदर, देश विशेष परिस्थिति गुजर रहा है, किस तरह देखते हैं बयानों को और क्या इन बयानों पर कब विराम लगना चाहिए? देखिए गौरव जी, मैं 2 मिनट लूंगा आपसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो मानसिक विक्षिप्त हो गए, अच्छा, ये मेरा अपना मानना है और इसके लिए जिम्मेदार हम भाजपा को ठहरा रहे हैं, अच्छा, इसलिए कि भाजपा में आने से पहले इन्होंने बयान दिया था कि गोबर से गणेश जी की पूजा होती है, अच्छा, ये भी बयान चर्चा में रहा जी, बिल्कुल, भाजपा में आके मंत्री बने जी, भगवान राम के मानने वाले भाजपाइयों ने एक बार भी इनको पार्टी से नहीं निकाला, उसी की देन है आज गौरव जी, इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और भगवान राम पे भी और रामचरितमानस जो कि हमारे हिंदुओं के लिए पूज्य है, उस पे टिप्पणी कर रहे हैं जी। शायद मौर्य को यह नहीं मालूम है कि गीता हमें मोक्ष देती है और रामायण समाज चलाना सिखाती है जी। भगवान श्री राम ने क्या नहीं दिखाया, बाबा तुलसी ने क्या नहीं दिखाया भगवान श्री राम को लेकर के जी। एक सत्ता के लिए आप बसपा छोड़े, भाजपा छोड़े और समाजवादी पार्टी दुबाने आ गए आप।
डुबाने आ गए हैं और समाजवादी पार्टी का भी चाल चरित्र दोहरा स्पष्ट हो गया है। हाँ। अभी मनोज पांडे जी का बयान आया था, मैंने देखा टीवी में। हाँ। अरे आपके वहां आदमी बैठा भगवान राम पे ऐसा कर रहा टिप्पणी कर रहा, रामचरित मानस पे ऐसे टिप्पणी कर रहा है और फिर भी जब अखिलेश जी लौटेंगे तब कार्रवाई होगी। ये तो वही है जो अयोध्या में हत्या कराए लोगों के, कार सेवकों के हत्यारे हैं। अच्छा, तो इनको तो ये तो राम के वैसे विरोधी रहे हैं। अच्छा, और उससे ज्यादा गौरव जी मैं दोष देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। आप भगवान राम के ठेकेदार हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, तो राम को उल्टा सीधा कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप FIR लाज कराइए, उसको जेल भेजिए। अगर वास्तव में आप राम के सेवक हैं, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि कार्रवाई करना उचित नहीं है, भगवान राम ने बिना न माना जल जल गए तीन दिन बीत, बोले राम सबको तब भाई बिन हो न प्रीत। उन्होंने हाथ जोड़ना भी सिखाया है अपने आदर्श पे चल के, लेकिन धनुष बाण भी उठाना सिखाया है कि अगर हमारे चरित्र को, हमारे समाज को आप दूषित करोगे, हमारे स्वाभिमान ठेस पहुंचाओगे, तो हम धनुष उठाना भी जानते हैं। अच्छा, ये भी चौपाइयां रामायण दी गई हैं। हाँ। दूसरी बात गौरव जी, अब यह धनुष कौन चलाएगा फिलहाल? अब तो भाजपा चलाना चाहिए भाई। हाँ। जब हम भगवान राम के उपासक इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं और उसके बाद राम की राजनीति पूरे भारत भर में कर रहे हैं और राम को ही लोग शब्दों के बाण से बेधित कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी भाजपा की बनती है और भारत के हर नागरिक, हर सनातनी बनती है। अच्छा, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि यही मुद्दा किसी गए धर्म के बारे में उठाया गया होता, थे थे। आज आग लगी होती। अच्छा, लेकिन हमारा सनातन धर्म हमेशा लचीला रहा है। अच्छा, क्योंकि हम वृक्षों पूजा करते हैं, सांपों पूजा करते हैं गुरु जी, आपने भी देखा है, और जड़ की पूजा चेतन पूजा करते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूजा करते हैं तो कोई हमको इस तरह से बेइज्जत करेगा। ये धर्म के ठेकेदार, ठीक है ठीक है, दो मिनट में आपको एक मिनट और लूंगा। अभी जैसे विवेक जी ने कहा कि अखिलेश जी आएंगे तब कार्रवाई होगी, भूपेंद्र चौधरी जी कहे अरे आप तो पार्टी मोरा जी रहे हैं, उसी समय कार्रवाई कर देते तो आज ये जो स्थिति आई है। अच्छा, ये न होती गौरव जी। अच्छा, मानसिक विक्षिप्त आपने शब्द बोला है जी, तो उसके पहले तमाम तरह के और लोग भी बयान दिए, सब मानसिक विक्षिप्त है क्या? अच्छा, इनको क्या कहोगे आप? आप हिंदू, मैं तो आपकी बात की बात कर रहा हूँ। नहीं गौरव जी, आपने मानसिक विक्षिप्त शब्द बोला है, तो इसके पहले और तरह तरह के बयान बड़े बड़े आप बताइए, आप अपने जिस धर्म को आप मानते हो, अपने धर्म के बारे में ऐसा आप बोल रहे हो, या तो सस्ती लोकप्रियता पाना चाह रहे हो आप, या आप मानसिक विक्षिप्त। जो आपका मानसिक विक्षिप्त बयान है या सस्ती लोकप्रियता वाला बयान है, ये उन सभी नेताओं पर लागू होता है, होना चाहिए जो जो इस तरह बयान देते हैं। विवेक जी ने भी कहा कि संविधान में, आप तो अच्छे एडवोकेट हैं। अच्छा, हाँ विवेक जी, अगर संविधान में ऐसा है तो इन लोगों के खिलाफ FIR क्यों लॉन्च नहीं होती है? अच्छा ठीक है, एक आधा जेल गया तो बता दीजिए। विवेक भाई, FIR लॉन्च कराई जाएगी, ठीक है। विकास मिश्रा सनातन महासभा जुड़े हुए हैं। विकास भाई, मैटपुर चर्चा विषय है और जिस तरह से यहाँ पर कुटालाघात हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर कटाक्ष हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला, कैसे देखते हैं आप? जी, और मौर्य जी के बयान को भी पूरा सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस स्वयं के सुख के लिए लिखी जी, और एक वर्ग विशेष को और नारी को उन्होंने वहाँ पे अपमानित किया जी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं जी कि तुलसी धाम के पीठाधीश्वर विकलांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं जी, राम भद्राचार्य महाराज जी, जिन्होंने पूर्व में भी कहा था जी रामचरित मानस जो बाजार में है उसमें 3000 से ज्यादा त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं जी, और उसका उन्होंने संशोधन भी किया जी। साथ ही एक चीज और भी बताना चाहूंगा जी कि 10,902 चौपाइयों में से जी, अगर तुलसीदास जी को ये अपमान ही करना होता तो सिर्फ एक ही चौपाई पे करते जी, सही बात है। इसी चौपाई के बारे में सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ डिबेट होती है, सबसे ज्यादा बहस की जाती है। चौपाई क्या थी जिसको अभी मौर्य जी ने कहा, ढोल गंवार सूद पशुनाई सकल तांडा के अधिकारी, यही कहा जाता है, यही लोग जानते हैं जी। राम भद्राचार्य महाराज जी ने संपूर्ण संशोधन किया, उसी तथ्यों के साथ किया है। हाँ। जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं जी। मौर्य जी और जितने भी व्यक्ति विशेष जो इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं वो जान लें जी। राम भद्राचार्य महाराज जी से आप जाके पता भी करें, उनसे ज्ञान भी प्राप्त करें जी। ढोल गंवार क्षुब्ध पशु रारी सकल तांडा के अधिकारी जी, क्षुब्ध पशु और रारी, जिसको क्षुब्ध को शूद्र कह दिया गया और राड़ी को नारी कह दिया गया जी। अर्थात जी, ऐसे व्यक्ति जो जी, समाज में हर समय लड़ाई उत्पन्न करते हैं उनको राड़ी कहते हैं जी, और क्षुब्ध पशु मतलब आवारा पशु जो समाज को प्रताड़ित करते हैं वो जिस तरीके से दंड के भागीदारी है, उसी प्रकार मैं भी दंड का भागीदार हूँ। ये समुद्र ने श्री रामचंद्र जी से बोला था जी।
जब आपको ज्ञान नहीं है, उचित ज्ञान नहीं है, तो जिनको ज्ञान है पहले उनसे ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद इस तरीके के कुठाराघात करें। दूसरा, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा भी, तो इसी चौपाई के पहले चौपाई है भी, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया भी, बिना ना मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोत्तम है बिन हो ना प्रीत। ये चौपाई मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, सनातन संस्कृति इतनी शालीन, इतनी सभ्य हो गई है जी। भाई है, उसने कभी कुछ किया ही नहीं, कभी किसी चीज पे कुठाराघात किसी ने किया तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, उस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा। जिसकी वजह से इस तरीके से होता है जी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कोई भी सांप अगर उसके अंदर विष नहीं भी है जी, तो सामने वाले के अंदर इस बात का भय होना चाहिए कि वो अगर डस लेगा तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। तो उस सांप का जीवन होता है, अस्तित्व होता है, अन्यथा छोटे छोटे बच्चे भी उसको मारते हैं, टांगते हैं जी। बिल्कुल। देखिए क्या है कि सनातन, जैसे अभी विवेक पांडे जी कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा भी कि ये बहुत गलत टिप्पणी है और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, नेता सपा से हैं और उनको ज्ञान भी है सनातन का, लेकिन जब वो बाद में और चीजों के बारे में बताने लगे, देखिए मैं मानता हूँ विवेक पांडे जी, तमाम लोगों ने टिप्पणियां की, उस पर जो भी संज्ञान में आई हमारे, हमने हमेशा उस पर विरोध भी किया, लेकिन जो अगर मान लीजिए संज्ञान में आने छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका विरोध नहीं करते, और आपको भी इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए खुल के। सुमेय प्रसाद मौर्य जी ने सनातन की बहुत ही घोर अपमान किया सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, और इसके लिए उनको दंड होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी से भी ये अनुरोध है, क्योंकि जहां तक मेरा संज्ञान है यूपी के अंदर जी, इस समय अगर कोई भी बड़ी पार्टी है भाजपा के बाद तो सपा ही है जी, और सपा को इस तरीके के कृत्य करने से बचना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति भले वो भाजपा से सपा में आया हो, लेकिन आज आपके अंदर है, अगर वो कोई बयान देता है तो सपा की तरफ से बयान माना जाएगा, जनता यही जानेगी कि सपा की तरफ से बयान आया है, तो उसके लिए कठोर कार्रवाई करें, इस तरीके से बचने का प्रयास ना करें जी। और हर एक व्यक्ति को, जब फिर से मैं कहना चाहूंगा, सनातन के ऊपर किसी भी धर्म ग्रंथ, चाहे रामचरित मानस हो या हमारे कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी देवी देवता हो, उनके ऊपर कुठाराघात कर पहले उसके लिए अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर ले, नहीं है तो हमारे तमाम गुरुजन है उनसे आप ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद ठीक है। ठीक है, देव पांडे जी बड़े नाराज है भाई आपसे, विकास भाई बोले हैं कि आप लोग दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है और इस तरह से हो रही है, आप तो ज्ञान ही है, पर कहीं ना कहीं अगर बयान है तो आपका ही, सपा का ही बयान माना जाएगा, आप भले ही पल्ला झाड़ते रहे, कुछ होने वाला नहीं जी। नहीं बिल्कुल, मैंने पल्ला नहीं झाड़ा, मैंने तो जिम्मेदारी ली और मैंने तो ये स्पष्ट किया बाकायदा कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, और मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया कि हम खुद समाजवादी पार्टी स्वयं और आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान के साथ खड़े नहीं है कहीं से भी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि साफ आंखों से दिखने वाली चीजों को साफ नजरिए से ही देखना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से ये बयान दिया है कि इनके बयान के साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, समाजवादी विचारधारा का कोई भी प्रणेता नहीं खड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल हम सनातन की धरोहर को बचाने के लिए हर उस दिशा में प्रयास करेंगे जो करना चाहिए एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भी। मैं तो आपको याद होगा गौरव भाई, आप ही की इस डिबेट में और आदरणीय पत्रकार बड़े भाई साहब भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस डिबेट में मैंने कई बार एक विषय उठाया था जिस विषय का शायद राजनीतिक लोगों ने संज्ञान न लिया। मैंने कई बार एक बात कही एक सनातनी होने के नाते भी कि इस देश में एक सुप्रथा चल पड़ी है, ऐसी मतलब मानसिकता चल पड़ी है कि ब्रिटेन की रानी मरती है तो राष्ट्रीय शोक होता है, जब जापान का प्रधानमंत्री मरता है तो राष्ट्रीय शोक होता है, जब खाड़ी देश का एक राजा मरता है तो राष्ट्रीय शोक घोषित होता है जी। लेकिन जब इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं का, हिंदू धर्म के अग्रज प्रणेता, राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करने वाले और सबसे बड़ी बात देश की स्वतंत्रता की आजादी में सहयोग देने वाले, जेल जाने वाले, हम सारे भारतीयों के, हिंदुओं के अग्रज प्रणेता, दो दो पीठों के महंत संरक्षक, जिनका जिनकी जिम्मेदारी थी इस भारतीय हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार संरक्षण देने की, जब वो वैकुंठवासी होते हैं आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, इस देश में न राष्ट्रीय शोक मनता है, न इस देश में राजकीय शोक मनता है, गलती है और ना ही इसके लिए कोई आवाज उठाता है। किसकी बात आवाज आने दीजिए गौरव भाई जी, बोलिए। ये बात आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैंने इस चैनल के माध्यम से कई बार ये बात उठाई है कि जिस देश में हमारे धर्माचार्यों का इस तरह से अपमान होगा, उनको अवहेलित किया जाएगा, हमारे यहाँ पादुका पूजन की परंपरा है जी। बाकायदा आपको भी पता है रामचरित मानस में भी इसका पूरा प्रकरण है जी। पादुका पूजन का अर्थ ये था कि जिस दिन आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, कई महंतों संतों को लेकर के जब कर रहे थे अयोध्या में शिलान्यास की पूजा कर रहे थे, उस दिन भी
हमारे चारों पीठों के पीठाधीश्वर, हिंदुओं के अग्रज, हिंदुओं के प्रथम धर्मगुरु आदरणीय स्वरूपानंद सरस्वती जी के साथ तीन और शंकराचार्य हमारे, न न्योता उनको मिला, न उनको आमंत्रित किया गया, न उनको बुलाया गया। अच्छा, तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, अच्छा, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, इस देश में सनातन को बचाने वाले राजनीतिक सनातन को धारण करने वालों का सम्मान, ये कौन सी सनातनी परंपरा है? केशव स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो छोड़ दीजिए, वो तो सनातनी कहीं से बचे नहीं, मुझे जो लगता है। लेकिन बात अगर सनातन की आएगी तो मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी का सदस्य हूं, समाजवादी पार्टी का नेता हूं। मैं ये बात आपके मन से कई बार उठा चुका, अलग अलग मंचों पे उठाया हूं, और इस मंच को मैं इस आवाज को तब तक उठाऊंगा जब तक मेरे ब्रह्मविलीन आदरणीय स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के साथ उनके ब्रह्मलीनता। जवाब लेता हूँ। भाई बड़ी नाराजगी है भाई को, कह रहे हैं कि जब जगतगुरु सरस्वती जी का स्वर्गवास हुआ तब उनके लिए कोई भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया, स्वरूपानंद सरस्वती भाई क्यों नहीं किया गया, जबकि सनातन परंपरा को मानते हैं, उसके लड़ते हैं, उसकी बात करते हैं, फिर जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर उनकी जो उन्होंने उनका एक्सपायर हो गए थे, निधन हुआ था उनका, उस पर आप लोगों ने कोई भी राष्ट्रीय शोक घोषित क्यों नहीं किया? देखिए गौरव भाई, मैं यही कहना चाहूँगा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। अच्छा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभु। अच्छा, और मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जड़ जंगम चेतन राजू। अच्छा, भावार्थ ये है, मैं अच्छा हूँ। अच्छा, यह स्वाभिमान होता है। अच्छा, मैं अच्छा हूँ यह स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान होता है। अच्छा, तो यही डिफिकल्टी है समाजवादी पार्टी की रीति और नीति में। अच्छा, देखिए जो कार सेवकों का हत्यारा हो वो सनातनी बात करे, वो हिंदुत्व की बात करे, वो इस पे अगर उठाराघात करे, तो ये हंसी हंसी वाली बात है। अच्छा, तो जो और आपको बता दो, सुनिए सुनिए स्वरूपानंद सरस्वती को आप नाच ना आंगन टेढ़ा, सुनिए मेरी बात, सुनिए हम भारतीय, आप सनातनी की बात करते हैं, थोड़ा मेरी भी बात को यही रामचरित मानस सिखाता है, गुलामी मानस धैर्य त्याग देश के, धैर्य त्याग प्रेम। देखिए हम भारतवर्ष, हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम की भाषा पे विश्वास रखते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की भाषा ये कहती है, ये राजनीति कूटनीतिक होती है। देखिए, और संत समाज जो आप राजनीति का है, देखिए निर्णय गौरव भाई आप भी मानते होंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए विवेक भाई राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए ये रीति रही, हमारे आदरणीय निर्णय जो होता है परिस्थिति काल के वश होता है। अभी मेरे साथ देखिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि आदमी ने विनय की, और उसके बाद जब विनय नहीं मानी तो पनिशमेंट के लिए धनुष उठाया। तो परिस्थिति सुनिए, परिस्थिति काल वश निर्णय लिया जाता है। कोरोना की विभीषिका में एक वही हमारा जीवंत जीवंत महाराज योगी है, जो अपने पिता की भी मृत्यु के पश्चात नहीं गए, और वही नंगे पैर सफाई कर्मियों के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि उनके पैर धुले। यही रामायण की संस्कृति है, यही रीति है, भाई, यही नीति है। और आज आपको गौरव जी एक बात और कह सकता हूँ, सुन लीजिए, एक 30 सेकंड और दीजिए, बोले बोले बोले, सुनिए। अब आप बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। विवेक पांडे जी सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जैसा आदमी, भगवान कृष्ण जैसा आदमी दुर्योधन को नहीं समझा पाया, और यही आपकी आदरणीय अखिलेश यादव जी को कह रहा हूँ, जब कृष्ण जैसा आदमी दुर्योधन को नहीं समझा पाया तो आपको समझाना कदापि नहीं। आप अध्ययन करिए, सनातन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, तब आप समझ पाएंगे सनातनी धर्म की संस्कृति क्या होती है, वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है, कूटनीति क्या होती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब से नेतृत्व संभाला तब से विश्व पटल पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही आगे बढ़ाया। और विवेक भाई ने जो जवाब दिया उनका मैं समाधान, समाज हमेशा त्याग का और प्रेम का सम्मान रखता रहता है। देशबंधु भाई, विवेक भाई के दो सवाल थे कि जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक घोषित क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल उनका यह था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए आए थे, तब धर्मगुरुओं को या पीठेश्वरों को क्यों नहीं बुलाया गया? दो सवाल जवाब दीजिए। चारों पीठों के पीठाधीशों को निमंत्रण अन्यथा क्यों नहीं गया था, बताइए इसका जवाब दीजिए। सुनिए, अब मेरी बात को 10 सेकंड सुनिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी। जी, जब नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, हाँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आप भी जान रहे थे जी, उस समय गौरव भाई और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट को कहूंगा, हाँ। कोरोना की विभीषिका गई नहीं थी। अच्छा, कोरोना के प्रोटोकॉल चल रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अभी भव्य, अरे विवेक जी धैर्य रखिए शांतिपूर्वक सुनिए, इंटरप्ट करना यही बोलता हूँ, यही मानसिकता है आपकी, तभी तोड़फोड़ करते हैं और जनता जनार्दन ने तभी आपकी बात नहीं स्वीकारी। आपकी मानसिक विचित्रता, मानसिक सक्रियता और पागलपन ही है कि जो आपको यहाँ तक ले आई। सीमित परिवार के लोग, सीमित लोग वहाँ गए थे और राम मंदिर का आप ही की पार्टी बार बार कार सेवकों पे, आपने कभी क्षमा नहीं याचना की, आपने कभी कार सेवकों की मृत्यु पे शोक नहीं किया, आपने उनके प्रति क्षमा नहीं मांगी, आपको कभी ग्लानि नहीं हुई। आज आप सनातन की बात करते हैं, आज आप धर्म की बात करते हैं, जाति पंथ की बात करते हैं, आप भी मांगिए कार सेवकों के लिए माफी, आप भी मांगिए कार सेवकों के लिए क्षमा, आपके आदरणीय अध्यक्ष जी ने कभी शोक तक व्यक्त नहीं किया, हजारों लाखों कार सेवक मर गए, हमने हमसे तो आप बार बार पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, गेट कहीं बनाएंगे, मंदिर बन रहा है और महाराज जी मैं विश्वास के साथ कहता हूँ करोड़ों लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, इकोनॉमी की बात देखते हैं, भारत की इकोनॉमी भी आगे बूस्टअप होगी। देशबंधु जी प्लीज, देवे भाई जी से बोल रहे हैं कि आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसके लिए माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसके लिए सपा कब माफी मांगेगी? जी मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछता हूँ गौरव भाई, आप माफी मांगेंगे कि नहीं? आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगेंगे कि नहीं? किसी परिवार की सुपली, आप यह बता दीजिए, कार सेवकों पे लाखों कार सेवक मर गए, आप क्षमा मांगेंगे? आपके आदरणीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी क्षमा मांगेगी? सबसे पहले इस बात को आप बता दीजिए, आपको कोई शर्म नहीं आती? आप धर्म की बात करते हैं, आप धर्म के नाम पे राष्ट्र को प्रदेश को तोड़ने का काम करते हैं, और आप जो बात करते हैं केवल जाति धर्म के नाम पे तोड़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी विशेष परिस्थितियों में सम्मान करती है, आदर करती है। हम पैगंबर पंडित ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। और आपको बता दूं, यही मानसिक विचित्रता और संकीर्ण सोच है कि आपने कार सेवकों की हत्या के लिए न आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, न उससे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और न समाजवादी के किसी नेता ने कभी शोक नहीं व्यक्त किया, कभी माफी नहीं मांगी, कभी उसके लिए दया भाव नहीं दिखाया। जिम्मेदार मीडिया के नाते धर्म का आप माफी मांगेंगे? आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवकों की हत्या के लिए माफी मांगेंगे? आप एक राष्ट्रीय चैनल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने एक ही बात कही, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, भगवान उनकी बुद्धि को सम्मान दे, आपकी बुद्धि को सम्मान दे, आप क्षमा मांगे, आप राष्ट्रीय चैनल पे बोले कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कार सेवकों की हत्या के लिए क्षमा मांगेंगे? एक कार सेवक के परिवार को पेंशन दी क्या? कार सेवकों को आपने क्षमा मांगी? कार सेवकों के साथ हमारी संभावना, हमारी उम्मीद है, हमारे हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर प्रश्न ना पूछिए। आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं क्या? आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार सेवकों पर बैठ के कार सेवकों की हत्या के लिए क्षमा मांगेंगे, दया के दो शब्द कहेंगे, सहानुभूति करेंगे? वही मैंने कहा, दुर्योधन को नहीं समझा पाए, यही समाजवादी की सोच है। आप लोग दुर्योधन की मानसिकता लेते हैं और बात करते हैं सनातन भाई, आप दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग हैं क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब बात सुनाइए, ये सब बहुत पढ़े हैं हम लोग भी। अरे आप क्या पढ़े हैं? क्षमा मांग लीजिए ना, अभी तो आप स्वामी है, अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपको क्षमा मांगने में राष्ट्रीय चैनल पर शर्म आती है? आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार सेवक के दो शब्द नहीं कहे, सहानुभूति नहीं? आप हमसे कह रहे राष्ट्रीय शोक, ब्रिटेन की नौकरी दी गई? हम तो पूछ रहा हूँ, बताइए जिम्मेदारी से, समाजवादी पार्टी मानस की पार्टी ने, मैंने वही कहा ना, दुर्योधन की मानसिकता लेके आ पाए, भगवान श्री कृष्ण नहीं समझा पाए, किसी ने कहा भाई, भाई आप मानसिकता को समझने का बताया जा रहा है, श्री कृष्ण ने कहा पांच दे दो, देशवंत भाई प्लीज, क्षमा नहीं मांगेंगे, केवल परोसेंगे, केवल यहाँ पे विवेक भाई
देशबंधु भाई आपकी मानसिकता को दुर्योधन की मानसिकता बता रहा है, सपा की मानसिकता बता रहा है दुर्योधन की मानसिकता। अब शिखंडियों से तो हमको नहीं सीखना है ना। अच्छा शिखंडी भी एक श्री भगवान नहीं समझा पाए, आप बात करते हैं हिंदुत्व की, नहीं, आप क्यों? बात करते हैं दुर्योधन है तो तभी मैंने कहा था ना, शिखंडियों की भी एक जमात थी। भाई तभी मैंने कहा रामायण से महाभारत कहाँ चले जाए भाई, रामचरितमानस की बात चल रही है, प्रेरणा तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। ऐसे राजनीतिक गिद्धों से बचने के लिए आपको राजनीतिक गिद्धों को रखिए और इनको बोलिए अगर सत्य सुनने का जवाब देने की क्षमता देखिए मैं एक अच्छा बहुत शेर है, घर को सजाने का तस्वीर तो बहुत बात का है। अच्छा पहले ये बताओ घर को बचाएं कैसे। अच्छा जो हमारे देश में हर व्यक्ति राम है। अच्छा। और महिला सीता है। हाँ। और बहुत परेशान है वो इस वक्त दौर से गुजर रही है। अच्छा। लगातार चीजें महंगी हो रही हैं, रीत से बाहर हो रही है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। हाँ। लोगों को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। इनके पेट्रोलियम मंत्री बीजेपी कह रहे हैं कि कंपनियों ने बड़ा पैसा कमा लिया है। अच्छा। अब वो अपना प्रॉफिट शेयर कम करें, लोगों को राहत दें, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीतारमन जी भी कोई बड़ी राहत नहीं दे रही है। आज राजनीति जनता को चर्चा हो रही है, आप राम हमारे देश की जनता भगवान है, आप पेट्रोल की बात कर देंगे, की जरूरत कर रहे हैं, आप फाइटर राम को बीजेपी ने ठगा है, हर राम को बीजेपी ने ठगा है, हर राम को बीजेपी ने ठगा है, हर सीता को बीजेपी ने ठगा है, इन्होंने देश के लोगों को लूटा है और उन्होंने राम मंदिर में घोटाले किए, जमीनों में घोटाले किए, मंदिर में घोटाले किए, जनता को बेवकूफ बनाया और कह रहे हैं चर्चा हो रही है रामचरितमानस पे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए वक्तव्य पर जी, तो मैं उसी पे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि हाँ मौर्य जी ने कहा कि नारी का अपमान करते हैं। अरे अहिल्या कौन थी, रामायण पढ़ो। अच्छा सबरी कौन थी, किस जात की थी, प्रभु श्री राम उसके घर जाकर जूठे बेर खाए, भील कौन थे, भील कौन थे, शायद इनको ज्ञान नहीं इस चीज का है। दूसरी बात अजामिल कौन था जी, केवट कौन था, केवट के भी भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े, चाहते तो धनुष बाण से उसको नष्ट करते थे। हाँ। नाव मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़े और मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरम मजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इसको मार सकता हूँ, प्रभु समझ रहे थे कि मेरा भक्त है। हाँ। इस नाते से उन्होंने कहा नहीं ये आएगा और निश्चित रूप से आएगा। उसने वहां भी प्रभु श्री राम ने अपनी उदारता दिखाई। तो कहां पर मेरी समझ में आ रहा है जो ब्राह्मणों के कह रहे हैं कि पूजा विप्र सकल गुणहीना, बाबा ने यह भी लिखा है कि कोट विप्र बत जाग कोट विप्र लागो जाऊ आए शरण तजो नेताओ। अच्छा ये चौपाई क्यों आपने लगाया, पैच कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, आप कोट विप्र बत लागो जाऊ आए शरण तजो नेता हूं। अच्छा। प्रभु श्री राम ने कहा है कि अगर 100 ब्राह्मणों को मार के मेरी शरण में आता है। हाँ। तो मैं निश्चित रूप से शरणागति दूंगा। अच्छा। वो चौपाई आपने दिखा रहे हैं। अच्छा। आपको खाली दो चौपाई आ रही है कि पूजा विप्र सकल गुणहीना। अरे जो और लिखा गया है
उसको देखिए, और रामायण बाबा लिखा है कि शंकर सहज विष्णुजते ही सकाई नराख राम कर द्रोही। तो गौरव जी, अब इन लोगों के भविष्य का अंत आ रहा है। हाँ, इसीलिए जो भगवान आप टिप्पणी कर रहे हैं, भाई रामायण बाबा ने लिखा है और जो लिखा है बाबा तुलसीदास ने, एक सेकंड आप गौर कर लीजिए कि 5000 वर्ष पहले रामायण लिखी गई थी। आज समाज में जो बाबा ने लिखा है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु ते करवाओ सेवा, और जिनके निज आचरण भवानी ते जानो राशन संप्राणी। आज देखिए समाज में वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ससुराल प्यार भाई जब से, अरे ये मार्गदर्शक है रामायण हमारी, समाज में जीना सिखाती है तो उन्होंने सिखाती है। विकास मिश्रा क्या कहना चाहेंगे भाई, विकास मिश्रा फाइनल कमेंट दीजिए। हाँ भैया जी, जैसा कि हम सुन रहे थे और पूर्व में भी उनके बयान भी मौर्य जी का हमने पूरा सुना था, जैसा हमने बताया। देखिए राजनीतिक पार्टियां जो बैठी हुई हैं, जिस तरीके का भी आपने माहौल देखा कि रामायण रामचरित मानस की बात होती होते महाभारत का युद्ध दिखाई पड़ने लगा, तो ये धर्म को अंदर लेकर के राजनीति अगर करेंगे तो इस तरीके का माहौल ही होगा, और ये हमेशा आम जनता को मुद्दे से भटकाने का प्रयास करेंगे, इनसे हमें कोई उम्मीद भी ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, जहाँ तक अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, तो ये जो अभी जो भी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया, देखिए रामचरितमानस में इन सब चीजों का वर्णन किया गया। अच्छा, तुलसीदास जी ने यह भी वर्णन किया कि रामचंद्र जी ने सबरी माता के जूठे बेर भी खाए। यदि वो किसी वर्ग विशेष को बदनाम करना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे, तो ये चीज उनको हटा देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे वर्ग विशेष का सम्मान होता, अपमान नहीं होता। ठीक। दूसरा केवट जी की बात करिए, तो केवट जी को भी उन्होंने हाथ भी जोड़े, गले भी लगाया, मित्र माना, क्योंकि वो आपको बता दें उनके गुरुकुल में साथ में पढ़े सहपाठी भी थे, उनको मित्र माना और मित्र का सम्मान दिया। तो अगर वहां पे वो अपमानित करने का कोशिश कर रहे थे तुलसीदास जी, तो इस प्रकरण को भी हटा देना चाहिए था। मेरा सीधा सा फंडा यही है, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जगह का हो, यदि किसी भी धर्म पे आक्षेप करता है, आज सनातन पे हुआ है तो सनातन की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए भी कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म पे भी आपको आक्षेप लगाने से पहले उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करें, और जो व्यक्ति कर रहा है उसकी पार्टी को बिल्कुल निश्चित ये कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो अभी इलेक्शन होगा उसमें आपको इसका हश्र देखने को जरूर मिलेगा, तो इसलिए त्वरित कार्रवाई करें, उचित दंड दें, और जनता को ये सुनिश्चित करें कि आप हर एक धर्म के साथ खड़े हैं, निष्पक्ष रूप से खड़े हैं, ना कि इसे धर्म विशेष को लेकर के चलना है। ठीक। इस तरीके के बयानों को बिल्कुल बंद होना चाहिए, और भाजपा नेता जो देशबंधु दीक्षित जी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, एक बार पहले भी कर चुका हूं भाजपा नेताओं से, कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक नियम एक कानून जरूर बना दें। मैं जानता हूं पहले भी नियम कानून है लेकिन वो पालित नहीं हो रहा, अगर उनका पालन हो रहा होता तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही होती। ठीक। इसलिए इस पर निश्चित करें, सुनिश्चित करें, अपने बड़े नेताओं से कहें कि इस पर बिल्कुल या तो उसका पालन किया जाए पहले से नियम है, या एक नया नियम पारित करें, अभिव्यक्ति की आजादी पे बिल्कुल एक नियम होना चाहिए। ठीक है जी, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामचरितमानस में एक जो दोहा है और चौपाई है वो बहुत कुछ बोलती है। एक चौपाई, बिना न मानस जल्दी जड़, और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। कारण उसका जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि जब आप किसी बात को आराम से कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब तक आप भय नहीं दिखाएंगे तब तक प्रीत नहीं होगी। चौपाई बहुत कुछ बोलती है और समाज को नई दिशा दिखाती है। हर एक चौपाई का अपना अर्थ होता है, हर एक चौपाई की अपनी व्याख्या होती है, उस व्याख्या को समझना आपका दृष्टिकोण है, आपकी भाव है, आपके विचार हैं। अगर वास्तव में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की शुचिता और हमारे देश की राजनीति का स्तर को ऊँचा करना है तो कम से कम राजनीति में भगवान को नहीं लाना चाहिए। भगवान या धर्म ये आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, भाव के योग्य, भक्ति के योग्य है, ना कि राजनीति के योग्य। राजनीति के लिए तमाम तरह के मुद्दे जो पहले से तमाम तरह के मुद्दे धरातल पर चल रहे हैं, चाहे बात बेरोजगारी की हो, नौकरी की हो, रोटी की हो, रोजगार की हो, सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो इस तरह पहले से ही चल रहे हैं, उन पर राजनीति होगी तो शायद कुछ तस्वीर बदलेगी। जो आराध्य है उनको आराध्य रहने दीजिए, और राजनीति की जो पटकथा है उसको बदल दीजिए, क्योंकि अगर अगर आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से माहौल भी खराब होगा, और जो सस्ती लोकप्रियता है उससे भारतीय लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी वैश्विक छवि भी खराब होगी। इसलिए व्यवस्थाओं को बनाए रखिए, और कम से कम अपने आराध्यों को, धर्म को राजनीति से दूर रखिए, क्योंकि धर्म राजनीति के लिए नहीं, भाव के लिए और श्रद्धा के लिए बना है। राजनीति के लिए जो मुद्दे हैं उन पर करते रहिए, और सबसे बड़ी बात है अगर वास्तव में तस्वीर बदलना चाहते हैं तो संघर्ष धरातल पर करिए, ना कि ट्वीट पर। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।